आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चाट की। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में बनाऊंगी। आपने तो ऐसे बहुत तरह का चाट खाया होगा, छोले चाट, चना चाट, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट, दही बड़े चाट, बहुत तरह का चाट खाया है आपने। लेकिन मैं आज जो आप लोगों के लिए चाट बना रही हूँ वो बहुत ही अलग तरीके का चाट है। आपने वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा फुल वॉच करना है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं, जहाँ भी रहें शादो आबाद रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। ये देखिए, ये जो मैंने लिया हुआ है ये आधा किलो मटर के दाने हैं जिसको मैंने इस तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसमें जो मज़ीद मैं इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूँगी वो कुछ इस तरह से है कि इसके साथ मैंने एक पाव आलू भी लिया है, उसको मैंने पिल ऑफ कर लिया है। ये देखें मटर के दाने भी, आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधा किलो मटर के दाने हैं, उसी हिसाब से मैंने एक पाव आलू लिया है। ये इस तरह से एक पाव आलू लिया है मैंने, इसको पिल ऑफ करने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। ना ज़्यादा आपने बड़ा काटना है और ना ही ज़्यादा छोटा काटना है, बस इस तरह से इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए और साइज़ में इतना ही होना चाहिए। और इसके में जो मज़ीद स्पाइस इस्तेमाल करेंगे, ये एक अदद प्याज लिया था मैंने जिसको बारीक चॉप की तरह काट लिया है, और ये चार अदद हरी मिर्च है, और ये थोड़ा सा लहसुन है 5-6 दाने जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, और एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, और इसमें 1 चाय की चमची मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है चाट में। देखने में लग रहा होगा आप लोगों की कितना ये यूनिक चाट बनने के तैयार होने वाली है। और ये मैंने लहसुन और ये प्याज और ये हरी मिर्ची मैंने डाल दिया, और इसके साथ ही मैं ये धुले हुए मटर को डाल दूँगी इस तरह से। ये देखें, साथ ही मैंने ये आलू भी डाल दिया, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी, प्याज और ये हरी धनिया, सॉरी प्याज, ज़ीरा और क्या कहते हैं लहसुन के साथ, और नमक भी डाल दूँगी इसके साथ। मैंने हसब ज़रूरत नमक, 1 चमचा जो है कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चमचा हल्दी, इन सारे चीज़ों को डालकर, और ये काली मिर्च आधी चाय की चमची मैंने डाली। स्पाइस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये देखें, इसमें मैंने 1 कतरा पानी नहीं डाला और इसको 10 मिनट के लिए ढक दिया था। इसमें ये मटर और आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं, और साथ ही मैंने 2 चाय का चमचा सिरका, 2 चाय का चमचा जो है चिली सॉस, और ये 2 चाय का चमचा सोया सॉस डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल दें, या लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद था तो मैंने ये डाल दिया, और साथ ही मैं इसमें हरी धनिया डाल दूँगी इस तरह से। देखने में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बेहतरीन लुक लग रहा है। अब आपने ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह की शान है, कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल भी यूँ लग रहा है जैसे फ्लावर के बीच में मैंने मटर का चाट रखा हुआ। अब इसके ऊपर आप चाट स्प्रिंकल करके खाएं, इमली की चटनी डालकर खाएं, दही की चटनी डालकर खाएं, और ये मैंने पॉपकॉर्न जो है फ्राई करके डाला हुआ है साइडों में थोड़ा, इसको आप मिक्स करके खाएं। मैंने सारा मिक्स करके नहीं दिखाया आपको, आपकी मर्ज़ी पर है कि आप इसको मिक्स करके खाएं, या इसके साथ जो चावल के मड़ोरे आते हैं उसको फ्राई करके मिलाकर खाएं, सोए के साथ खाएं, केचप मिक्स करके खाएं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। जिस तरह से दिल करे आप इसको खाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी और रमज़ान के हवाले से बहुत ही बेहतरीन चाट बनी है ये मटर आलू की। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें कि आप लोगों को मेरी ये मटर की चाट जो है कैसे लगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।